शहीदों की जमीन है ये, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर हो कभी, ये बंजर हो कभी, पुस्तिल कभी पैदा नहीं करती, पुस्तिल कभी पैदा नहीं करती। शायद अजगर सौदाई ने जलसे में ऐसा नारे ही मिस्रा कहा कि जिसने आजादी की तहरीक को नारा दे डाला। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान कलमा तैयबा की जागीर, पाकिस्तान सुरहमान की तफसीर, पाकिस्तान कायदर इकबाल के ख्वाबों की ताबीर, पाकिस्तान माओ बहनों की दुआओं की तासीर, और पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की तकदीर है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया। हम आजाद हैं, वाह हम आजाद हैं। और यह कौन सी आजादी जब बड़े कोने से लटकते प्यास को जंजीरों से जकड़ कर रखा जाता हो, वह लोग भागा जाते हैं। नाम इस्लामी जम्हूरियत पाकिस्तान, और वहाँ फिरका वारियत उरूज पर, इस्लाम के नाम पर धरने उरूज पर, एक दूसरे पर गद्दारी और कुफर का बल आम है। हमारे मुंह से जो निकले वही सलामत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सलामत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के पाप का पाकिस्तान थोड़ी है, किसी के पाप का पाकिस्तान थोड़ी है। ये पाकिस्तान का टुकड़ा नहीं, नक्शा नहीं, बल्कि एक नजरिए का नाम पाकिस्तान है। पाप लोगों के रहने की जगह या सब बराबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इज्जत मरा याफ्ता लोग अमीर से मिलकर और गरीब बेचारा गरीब कर आकामा और नाम पनामा में निकलता हो, जो खलाई का फ्लूट से डर जाता हो। मेरी आवाज पीछे चल जा रही है ना, अब मेरे साथ है चल दौरे शहरियत पे ना अहल और ओवरसीज वालों पर बोझ महरूम किया जाता हो। खान साहब जरा सोचिए ताकि हम सब कहें तब्दीली आने रही, तब्दीली आ गई है। कुछ नहीं इनको मिलाए, देखना
जिंदाबाद।